बैसुमा के नवजीवन इंटर कॉलेज में 31 मार्च बुधवार के दिन जो घटना हुई है, जिसमें एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और यह छात्र फिरोजपुर, जहां पर शिवजी का एक भव्य मंदिर है, उस गांव से संबंध रखता था। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मृतक छात्र के पिताजी हैं रोहतास जी, वो स्वयं ही बताएंगे पूरी घटना के बारे में। क्या हुआ जी, पूरी घटना बता दीजिए। ये जी, मैं अपने लड़के को रिजल्ट दिलवाने के लिए स्कूल गया। मैं बाहर स्कूल के रह गया, बोले गाड़ी खड़ी करके बच्चा स्कूल में अंदर रिजल्ट लेने के लिए गया। हंसी हंसी जैसे वो लेके आ रहा था, वो पता नहीं वो लड़का आया बाहर से, उसने बाहर निकलते ही गेट पे उस लड़के की गोली मार दी। जैसे मेरी नज़र उधर गई, मैं भागा उस लड़के के पीछे, वो लड़का मेरे हाथ नहीं आया। वो लड़का तो लड़कों के साथ भाग गया जो उसके साथ बाइक पर थी, मैं उनके पीछे भागता रहा। लेकिन तब तक मैं वापस गया, मेरा लड़का अंदर स्कूल की तरफ भागा, मैंने लड़के की तरफ भागा, तो तब तक प्रिंसिपल साहब मेरे लड़के को लेकर हॉस्पिटल। कितनी उम्र थी आपके बेटे की? 14वें साल में था जी। 14वें साल में था। उसका कोई लड़ाई झगड़ा स्कूल में? कोई मतलब ही नहीं जी, मेरा लड़का तो लड़ने से कोई मतलब ही नहीं। उसका कोई उसमें तो एक छोटे अलड़पना बचपना था बिल्कुल ही, इससे प्यार नहीं होगी कभी लड़ने का। तो उसका कहीं भी आप देख, कहीं भी इंक्वायरी करो, कुछ भी देखो, लड़के का लड़ने का कोई मतलब नहीं। स्कूल में पूरे कॉलेज में इंक्वायरी करो, फाल्टी नहीं उसका कोई कैसा भी। मीडिया में ये भी खबर आ रही है कि कोई इसमें छात्रा इन्वॉल्व है? हाँ, कोई मतलब ही नहीं जी, पूरे स्कूल में इंक्वायरी करो, कोई मतलब ही नहीं। मेरा लड़का तो इन चीज़ों से बहुत दूर था। तो इसमें कोई आपको लग रहा है कोई साजिश? हाँ जी, मुझे लग रहा है इसमें कोई साजिश है। ये अकेला नहीं है, इसमें और भी अलग अलग होंगे। मैं तो जो वही दिखाई दिए मुझे, और भी होंगे। मैं कोई साजिश के तहत ही नहीं, मेरा कोई उनसे कोई संबंध नहीं, कोई बेचारा झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, मेरा कोई मैटर नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं है। इसमें कोई साजिश है, कोई भयंकर साजिश है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहती, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा गया, मेरा तो पूरा घर बर्बाद हो चुका। अभी साल भर पहले मेरा एक बच्चा गुजरा, अभी मेरा दूसरा बच्चा चला गया, मेरा तो पूरा घर बर्बाद हो गया। बताओ, मेरे ऊपर तो इतनी बड़ी विपत्ति है, मुझे तो इंसाफ चाहिए। प्रशासन से भी है, पुलिस से भी इंसाफ चाहिए मुझे। तीन बेटे थे आपके? तीन बेटे थे मेरे, एक पिछले वर्ष गुजर गया एक्सीडेंट से, एक मेरा ये बच्चा गोली मार के मार दिया। और बड़ा बेटा आपका? बड़ा बेटा मेरा मिलिट्री में। अच्छा, वो भी देश की सेवा कर रहा है? हाँ जी, वो देश की सेवा कर रहा है।